प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के पहले दिन दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में डिफेंस और आईटी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांत ने किया। पीएम मोदी का राष्ट्रपति भवन के सामने औपचारिक स्वागत किया गया। सुनहरी लटकन वाली सफेद वर्दी और काले गंभूर पहने सशस्त्र बलों के बैंड ने भारत और वियतनाम का राष्ट्रगान बजाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मेजबान देश के तीनों सशस्त्र बलों के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। भूरी जैकेट के साथ सफेद चूड़ीदार कुर्ता पहने मोदी को इसके तत्काल बाद भवन के पास स्थित उस पारंपरिक मकान में ले जाया गया। पीएम ने वियतनाम से साझा रिश्तों पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच की साझेदारी से एशिया के साथ पूरी दुनिया को भी फायदा मिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी G20 बैठक को लेकर भी काफी सकारात्मक है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बैठक के अच्छे नतीजे आएंगे। पीएम मोदी चीन के हांगझोऊ शहर में G20 देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, जहां भारत आतंकवाद के वित्त पोषण पर लगाम लगाने और कर चोरी पर कार्रवाई करने के लिए ठोस कदमों की वकालत कर सकता है। कश्मीर यात्रा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी है, उनके सुझाव के आधार पर सरकार आगे की कार्यवाही तय करेगी। राजनाथ ने यह भी कहा कि जब टीम कश्मीर से वापस लौटेगी तो एक बार फिर सभी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। बता दें कि रविवार को गृह मंत्री सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कश्मीर रवाना होंगे। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। यह फैसला भारत सरकार को करना है कि कौन हितधारक है। वहीं लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम विकास विश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे ठोस रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी भी मौजूद रहे। यह प्रतिनिधिमंडल राज्य के विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा, जिससे अशांत चल रही घाटी को शांत करने का प्रयास किया जा सके। बता दें कि हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी के पिछले महीने मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से घाटी में लगभग 1.5 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस दौरान हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारतीय रेलवे देश के लोगों के हित में अल्ट्रा हाई स्पीड प्रौद्योगिकी विकसित करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि रेलवे का सपना है कि भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा में 12 घंटे से ज्यादा समय न लगे, जिससे सभी रेलगाड़ियों की औसत गति को बढ़ाने का इरादा है, जिससे सभी लोग इसका लाभ हासिल कर सके। पिछले 4 दशकों से रेलवे की VIP राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज नहीं हुई है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत रफ्तार भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुरेश प्रभु ने इस योजना को साकार करने के लिए अल्ट्रा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कराया है। सम्मेलन में प्रभु ने कहा कि अधिक रफ्तार के लिए केवल बुलेट ट्रेनों पर क्यों निर्भर रहे। परिवहन क्षेत्र में नई तकनीकी की मदद से ट्रेनों को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जा सकता है। विश्व भर के अनुसंधानकर्ताओं के साथ भारत में संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। CBI के एंटी करप्शन यूनिट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर सहित 20 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें हुड्डा के रोहतक स्थित आवास के साथ ही 3 गुड़गांव, 9 दिल्ली, 3 चंडीगढ़ और 3 पंचकुला के ठिकाने शामिल हैं। इस मामले में हुड्डा के अलावा छतर सिंह, MLA दयाल सिंह और SB ढिल्लन के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। पिछले साल इस मामले की जाँच CBI को सौंप दी गई थी। मानेसर में कांग्रेस सरकार की करीब 972 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर DLF और कुछ अन्य बिल्डरों को देने के मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। राज्य में BJP की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CBI जांच के आदेश दिए थे। दरअसल कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को सौंप दिया गया था। हुड्डा सरकार पर आरोप है कि इस बेशकीमती जमीन को बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। गौरतलब है कि 17 सितम्बर को राज्य सरकार की अनुशंसा पर CBI ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों और प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ जमीन अधिग्रहण में कथित तौर पर मामला दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने अश्लील CD विवाद में फंसे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव किया है। आशुतोष ने कहा कि संदीप ने कुछ भी गलत नहीं किया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी सामाजिक और
नैतिक दायरे से बाहर जाकर दूसरी महिलाओं से रिश्ते रहे। आशुतोष ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि यदि संदीप ने किसी अन्य महिला के साथ उसकी रजामंदी से संबंध बनाए हैं तो इसमें गलत क्या है। ना तो उस महिला ने संदीप के परिवार के किसी सदस्य या पुलिस ने इसकी शिकायत की, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है और संबंध आम सहमति से बने, तो फिर संदीप के चरित्र पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आशुतोष ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें कई जानी मानी हस्तियों के अन्य महिलाओं से कथित तौर पर संबंध रहे हैं या फिर वो उनके प्रति आकर्षित हुए हैं। हालांकि आशुतोष ने यह भी माना कि इन तमाम बातों के बावजूद संदीप की सीडी सार्वजनिक होने से पार्टी को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति करने वाली पार्टी है, इसलिए इस मामले में कोई समझौता किए बिना तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आधे घंटे के भीतर संदीप कुमार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। वहीं दो अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत मिलने पर भी ऐसे ही कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन ये मामले भ्रष्टाचार से जुड़े थे जबकि ताजा मामला उनसे थोड़ा अलग है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज़े पंजाब नाम से नया राजनीतिक फ्रंट बनाया है। इस फ्रंट के बनते ही सिद्धू के किसी दल से जुड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। अब नवजोत पंजाब में नए राजनीतिक फ्रंट आवाज़े पंजाब का नेतृत्व करेंगे। पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। फ्रंट आवाज़े पंजाब का गठन 9 सितंबर से पहले हो जाएगा। इसका बड़ा पोस्टर फेसबुक पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने शेयर किया। शुक्रवार को शेयर किए गए इस पोस्टर में सिद्धू को पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह और लुधियाना से निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के साथ दिखाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी से नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू इससे पहले अमृतसर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से नवजोत के बीजेपी के साथ रिश्तों में खटास आ गई थी। दरअसल प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के खिलाफ सिद्धू बेहद मुखर थे और इस सरकार में सहयोगी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। 2014 के आम चुनाव में जब अमृतसर सीट से सिद्धू की जगह अरुण जेटली को टिकट दिया गया तो इन रिश्तों की खटास और बढ़ गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे संख्या 58 पर हुई। घटना के वक्त बाइक सवार दोनों युवक मेरठ से शिमला जा रहे थे। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के पास मिले आईडी कार्ड से दोनों की पहचान की। मरने वाले एक युवक की पहचान हापुड़ निवासी असलम के तौर पर की गई, जबकि दूसरे की पहचान बिहार के दरभंगा का निवासी रियाजुद्दीन के रूप में हुई है। दोनों युवक देहरादून और शिमला में फल खरीद कर बाहर के प्रदेशों में फल का व्यापार करते थे और इसी सिलसिले में दोनों बाइक से शिमला जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए मृतकों के परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि NH-58 पर पिछले एक माह में मेरठ से दौराला तक सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए हाईवे पर यातायात वन वे है। इस साल वन वे की वजह से 5 दिन में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमृतसर के घनुपुर काले में चोरों ने APNB के ATM से 6,66,000 रुपए लूट लिए। चोरों ने लूट की इस वारदात को बेहद सावधानी से अंजाम दिया। देर रात सेंधवारी कर बैंक में घुसे चोरों ने सबसे पहले बैंक में लगे CCTV कैमरों पर स्प्रे कर दिया, फिर ATM को अंदर से काटकर पैसे उड़ा ले गए। इस बात का पता तब चला जब बैंक में काम करने वाले लोग बैंक पहुंचे। ताला टूटा देख कर्मचारी चौंक गए और उन्होंने समझते देर न लगे कि यहाँ कोई न कोई वारदात हुई। उन्होंने सबसे पहले पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस को इंतला किया। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने जहां स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है, वहीं ATM सुरक्षा को लेकर बैंक की सजगता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। यूपी के मेरठ में एक बड़ी घटना होते होते टल गई। दरअसल मेरठ रुड़की रोड पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार मेरठ से मुजफ्फरनगर जा रही थी। कार में 5 लोग सवार थे जो किसी तरह से कार से बाहर निकल गए, लिहाजा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग इतनी भयावह थी कि महज कुछ मिनटों में ही कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। चलती कार में लगी आग देखकर सड़क पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। कार ड्राइवर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोवा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। 78 वर्षीय करीमोव मस्तिष्काघात के कारण पिछले शनिवार से अस्पताल में भर्ती थे, जहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया। एशिया के सबसे सत्तावादी नेताओं में से एक करीमोव ने उज्बेकिस्तान पर 27 साल तक शासन किया था।
उनका अंतिम संस्कार उनके गृह नगर समरकंद में किया जाएगा। रूसी प्रधानमंत्री दामित्री मेदवेदेव अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। पुतिन ने अपने शोक संदेश में कहा कि करीमोव का जाना उज्बेकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वो देश के सबसे सच्चे नेता थे। उज्बेकिस्तान के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जिन्होंने मध्य एशिया की स्थिरता में योगदान दिया था। प्रधानमंत्री के निधन पर देश में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई। उज्बेकिस्तान इस समय सबसे बड़ी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। समर्थक प्रधानमंत्री शौकत मिर्जियोयेव अंतिम संस्कार से संबंधित समिति की अगुवाई कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वो दीर्घकाल में करीमोव का स्थान ले सकते हैं। वैसे आधिकारिक रूप से सीनेट प्रमुख निग्मातुल युल्दाशेव को चुनाव होने तक कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है।